आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। अपनी अपेक्षा अनुसार रुद्राक्ष चुने। इस पद्धति में विभिन्न मुखी रुद्राक्षों का आधार लिया जाता है और अपनी अपनी समस्या या अपेक्षा के अनुसार चयन किया। उदाहरण, यदि आपको व्यापार में प्रगति संपत्ति लाभ वांछित हो तो सप्तमुखी लक्ष्मी जी का गोतक, अष्टमुखी गणेश जी का गोतक, द्वादशमुखी सूर्य का गोतक का चयन किया जाना चाहिए। इस सूचना का आधार निम्न प्रकार से है। सप्तमुखी दाना महालक्ष्मी जी को समर्पित है, अष्टमुखी दाना गणेश जी को समर्पित है। साधारणतया महालक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है। द्वादशमुखी सूर्य को समर्पित है। यह प्रशासन कौशल्य और स्वामित्व के लिए चुना जाता है, जो कि व्यापार चलाने के लिए आवश्यक है। इस रुद्राक्ष स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि उच्च रक्तचाप की भी शिकायत हो तो उपरोक्त संयोग सिवाय त्रिमुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी रुद्राक्ष अन्य दानों को जोड़ दिए जाए, या पहने की 84 या 108 दानों की माला धारण किए जाए, जिससे कि शरीर से दानों का स्पर्श का क्षेत्र बढ़े और एक्यूप्रेशर पद्धति से लाभ हो। अपनी अपेक्षा रुद्राक्ष समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें।